नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं अपारा समाचार। मैं हूं आपके साथ मजनीश। इस वक्त जो आप ये स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, जो गाजीपुर के थाना क्षेत्र कसिमाबाद के जलालपुरा गांव की है। आपको बता दूं कि जलालपुर गांव के निवासी एनएसजी कमांडो रामनिवास यादव जी जिस अपना बलिदान दिया है, आज इनका पार्थिव देह इनके पैतृक गांव जलालपुरा पहुंचा है। साथियों, ये जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे, 85 आर्मर्ड के जवान थे। आपको बता दूं कि इनकी शहादत कैसे हुई है, वो आपको मैं बता देता हूं। इनकी शहादत पठानकोट के अंदर हुई है। वहां एक 40 फौजियों का जो बैच क्रॉस कंट्री जो दौड़ लगाई जाती है, उसके दौरान तापमान की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी। बता दूं आपको, इस दौड़ के अंदर 5 से 7 जवान सीरियस हुए थे, उनमें से 2-3 जवानों ने शहादत पा ली है। अभी पिछले वाले 3-4 जवानों की हालात बताई जा रही है। साथियों, ये 5 भाई थे, 2 भाई और भी फौज में हैं, सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए। और इनका जो इलाज है वो पठानकोट में चल रहा था, और घटना 20 अगस्त की है, और 21 अगस्त को इनके परिजनों को सूचना दी गई थी कि आपके लाल को दौड़ के अंदर जो है तबीयत खराब होने से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन साथियों, परसों इन्होंने शहादत को प्राप्त किया। एनएसजी कमांडो थे रामनिवास यादव जी, गाजीपुर के कसिमाबाद के जलालपुरा गांव के थे। साथियों, वीरों की धरती कही जाती है गाजीपुर, और आए दिन वहाँ से कोई ना कोई शहीद होता रहता है, अपने देश के लिए शहादत देते रहते हैं। और रामनिवास यादव जी जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, इनके छोटे भाई पंजाब में पोस्टेड हैं, और आज इनका पार्थिव देह इनके पैतृक गांव पहुंचा है। युवाओं में जोश और जुनून के साथ उन्हें सेना की टुकड़ी के साथ में अंतिम सलामी दी गई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।